सभी लोग 10 मिनट का समय मुझे दें, ध्यानचित्त होकर कुछ आवश्यक जानकारियां हैं जो पूज्य गुरुदेव भगवान के शब्द हैं, उनको मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। अभी तो इस वैश्विक आपदा के कारण जो आगे के सारे प्रोग्राम हैं, जो कथाएं हैं, वो सब स्थगित हो गई हैं, लेकिन उसमें कुछ हैं जिनमें आप लोग सादर आमंत्रित हैं, जो पूज्य गुरुदेव भगवान एवं श्री जानकी महल परिवार आपको सादर आमंत्रित करता है। सर्वप्रथम तो आप लोग आइए, श्री जानकी महल आश्रम पूज्य गुरुदेव भगवान का जो स्थान है, गोधूलीपुरम श्री धाम वृंदावन स्थित, जहाँ पर विप्र सेवा होती है, ब्राह्मण सेवा होती है, साधु संत रहते हैं, गौ माताएं रहती हैं। आप लोगों को ज्ञातव्य होगा कि पूज्य गुरुदेव भगवान के संचालन में एक गौशाला श्री शिव गौरव गौ चिकित्सा केंद्र डूंडरगढ़ के पास जेतासर नामक एक गांव में स्थित है, जहां पर लगभग 400 से 500 गौ माताएं सेवा प्राप्त कर रही हैं। और वहां पर उस गौशाला का उद्देश्य सिर्फ यह है कि जो भी घायल एवं बीमार गौ माता हमको कहीं रोड पे या जो भी हमको सूचित करते हैं, तो हम उनको रखते हैं और उनकी सेवा होती है, और वो पूज्य गुरुदेव भगवान के संचालन में गौशाला संचालित है। तो अगर आप लोगों का कभी भी डूंडरगढ़ के सन्निकट जाना हो, तो आप लोग बिल्कुल फ़ोन करें, इस जो नंबर स्क्रीन पर आपको दिख रहा है उस नंबर पर फ़ोन करें या महाराज जी को संपर्क करें, ताकि आप जाएं और उधर जाके गौशाला में जाकर आप वहां जो सेवा प्राप्त पा रही हैं गौ माताएं, उनका दर्शन करें, वहां की स्थिति देखें, वहां पर किस प्रकार से सेवा की जा रही है। कुछ जानकारियां हैं जो आपको हम बताते हैं। सर्वप्रथम तो पूज्य गुरुदेव भगवान के जो गुरुदेव भगवान हैं, पूज्यपाद स्वामी श्री परमहंस जी महाराज, उनका त्रुभाव महोत्सव और आश्रम का पाटोत्सव महोत्सव, ये हमारे श्री जानकी महल परिवार के दो उत्कृष्ट उत्सव हैं, जिन्हें हम अपने सारे यजमान परिवार एवं विट्ठल परिवार एवं श्री जानकी महल परिवार के समस्त सदस्य बड़े उत्साह एवं आनंद से मनाते हैं। तो आप लोग जब भी आपका मन करे वृंदावन आने का, या जब भी आपकी ऐसी ठाकुर जी दिव्य कृपा करें कि आपका मन हो, तो आश्रम में आए, आश्रम की सेवा देखें, ब्राह्मण सेवा वहां पर होती है। गौशाला का संचालन करने के उपरांत भी पूज्य गुरुदेव भगवान की इतनी श्रद्धा गौ माता के प्रति है कि आश्रम में भी गौ माताएं रहती हैं, वहां पर एक अलग से बालक लगा रखा है जो उनकी सेवा करता है, क्योंकि वहां हम लोग कभी रह नहीं पाते हैं, प्रायः पूज्य गुरुदेव भगवान के साथ भ्रमण पर रहते हैं, कथाओं में रहते हैं। तो अभी हमसे कल पूछ रहे थे वो भैया लोग इस ब्रज 84 कोस यात्रा के बारे में, तो मैं आपको आपके साथ साझा करना चाहता हूं कि ये पूज्य गुरुदेव भगवान का परम पावन संकल्प था जो कई सालों से है। पिछले साल इस आपदा के कारण स्थगित किया गया, लेकिन पुनः इस बार विचार बना है और इसकी तिथि निर्धारित की गई है 21 से 27 अक्टूबर 7 दिन पर्यंत ये यात्रा होती है, जिसमें आपको ब्रज 84 कोस की परिक्रमा गाड़ियों द्वारा कराई जाती है, जिसका उद्देश्य सिर्फ यह होता है कि जब आप भागवत जी सुनेंगे तो उसमें आपको वर्णित मिलेगा, जब माँ यशोदा और नंद बाबा ने ठाकुर जी से आग्रह किया था कि लाला हमको चार धाम यात्रा करनी है, तो उस समय ठाकुर जी अपनी लीला को स्मरण करने के लिए उद्धृत हुए थे, तो उसी क्रम में ठाकुर जी ने कार्तिक का परम पावन महीना था, ठाकुर जी ने अपने मन से चारों धामों को आवाहन किया, आवाहित किया, और वो चारों धाम आज भी प्रत्येक कार्तिक मास में वृंदावन पधारते हैं। और हम सब ब्रजवासियों की, हम सभी सनातनियों की मान्यता यह है कि उस ब्रज 84 कोस की यात्रा अगर हम चार धामों को नहीं कर पाते हैं, तो हमारा आशय यह रहता है कि हमारे द्वारा अगर 10 लोग या 20 लोग 50 लोग जितने भी जिनके ऊपर ठाकुर जी कृपा होगी, अगर वो लोग 84 कोस की यात्रा कर पाते हैं, तो ये परम सौभाग्य आपका है और हमारा है और हम जानकी महल परिवार के सारे सदस्यों का है। तो जो भी ब्रज 84 कोस यात्रा में सम्मिलित होना चाहता हो, स्क्रीन पर नंबर चल रहे हैं उन नंबर पर संपर्क करें, कुछ गुरुदेव भगवान से संपर्क करें, मुझे संपर्क करें, हमारे पंडित जी को संपर्क करें। तो मैं आप सभी से आग्रह करूंगा, पूज्य गुरुदेव भगवान का पदार्पण आपके ग्राम में पहली बार हुआ है और
हम चाहते हैं कि हम आपके यहाँ आए, अब आप हमारे आश्रम पधारे, हमारी कुटिया आए, वहां पर देखें क्या सेवा प्रकल्प है, उन सेवा प्रकल्पों से आप भी जुड़े। कहीं ना कहीं नीति में एक श्लोक आता है, दारिद्र नाशनम दानम शीलम दुर्गति नाशनम अज्ञानता नाशनी प्रज्ञा भावना भय नाशनी। जो समस्त दानदाताओं ने जो अपना यहाँ पर समर्पण दिखाया है, पूज्य गुरुदेव भगवान एवं हम सभी श्री जानकी महल परिवार के जितने सदस्य हैं, आप सभी को बहुत बहुत आभार करते हैं, आपको आशीर्वाद देते हैं और आप ऐसे ही सदैव धार्मिक कार्यों में संलग्न रहें, गौ माता की सेवा करते रहें, जहाँ आप हैं वहाँ से सेवा करते रहें। और आज परम पावन यह दिन है, आज हमारी कथा विश्राम हो रही है और आज ही हमारे आराध्य ठाकुर का पावन प्राकट्य उत्सव है, तो आप सभी को श्री राम नवमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, अनंत अनंत शुभकामनाएं। और जो भी पूज्य गुरुदेव भगवान के सेवा प्रकल्पों से जुड़ना चाहे वो मुझे संपर्क करें, स्क्रीन पर नंबर दिए गए हैं उन पर संपर्क करें। कभी भी जब आपका वृंदावन जाना हो तो आप निसंकोच फोन करें, आपकी सारी व्यवस्थाओं का वहाँ पर व्यवस्थाओं को व्यवस्थित किया जाएगा, आप जाएं, आप देखें, आप वृंदावन को जानें और पूज्य गुरुदेव भगवान के सेवा प्रकल्पों से जुड़ें। आगामी कथाओं का भी आपको जो भी जानकारी होगी वो इसी चैनल के माध्यम से या जो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है उसके द्वारा आपको मिल सकती है। अभी तो कोविड के कारण सारी आगामी कथाओं को स्थगित कर दिया गया है, पुनः जब भी सुचारू रूप से व्यवस्थाएँ लागू होंगी तो हम आपको सूचित करेंगे। बस हमारा जोर सिर्फ इस बात पर है कि जहाँ आप रहें वहाँ ब्राह्मण सेवा करें, गौ सेवा करें, संत सेवा करें, क्योंकि यही है जो हमको इस आदि व्याधियों से बचाते हैं। आप सब जानते हैं कितना भयानक एवं विपरीत समय है, लोग परेशान हैं, कितने हमारे जानने वाले लोग हैं जो बेचारे उनको बेड तक नहीं नसीब हो रहा है। तो हम चाहते हैं, आप देखो यहाँ पर 9 दिन का दिव्य उत्सव ये हुआ है, कहीं कोई व्यवस्थित या अव्यवस्थित नहीं हुई है कोई भी व्यवस्था, तो ये प्रभु कृपा है। तो पूज्य गुरुदेव भगवान का तो आशय यही रहता है कि आप राम से, श्याम से और उनकी गौ माता से जुड़े रहें, तो यही मेरा भी आपसे आशय एवं निवेदन है। धन्यवाद बहुत बहुत, और आप जो भी आना चाहें शहर हम आपको स्वीकार करते हैं, आपका आमंत्रित करते हैं, आपको पधारो वृंदावन एवं ब्रज 84 कोश यात्रा में अपने आप को शामिल करके अपने पुण्यों को एवं अपने पितरों को कृतार्थ करें। जय जय श्री राम, जय श्री